रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ समिया और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल एंड कुकिंग। आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत मसर, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनते हैं और हर दिल अजीज होते हैं। मेरे तो बहुत ही फेवरेट है और आई थिंक सो सबके बहुत फेवरेट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो मसर लिए हैं, अच्छे से वॉश करके मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया, तकरीबन 4 कप। और इसमें जो स्पाइसेस वगैरह जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हरा धनिया है, ये तो एंड पे जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इसमें जीरा खुश्क धनिया 1 ही टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, काली मिर्चें और गरम मसाला ये 1/4 टीस्पून, और ये भी 1/4 टीस्पून है। और इसमें जाएगी हरी मिर्चें तकरीबन 1 अदद है, बड़ी वाली थी मेरे पास तो मैंने इसको ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया है। लहसुन है, ये भी चॉप हुआ हुआ है, और अदरक चॉप किया है, प्याज चॉप किया है। ये तड़के में सब चीज़ें जाएंगी। और ये जो लहसुन मैंने साबुत लिया है, ये मैं मसर में अभी ऐड करूंगी। तो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ और साथ साथ हम करते जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें ये जो काली मिर्च और गरम मसाला छोड़ के, ये जो हमारे स्पाइसेस हैं जीरा खुश्क धनिया, काली मिर्च, नमक और हल्दी ऐड करते हैं। और साथ में ये साबुत, ये जो मैंने ये लहसुन छीला हुआ है, ये डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। ये देखिए मैं ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रूर आप ऐड कीजिएगा, इससे जो इसका टेस्ट है बहुत ही मज़े का बनता है मसरों का। ये जो मसर हम बना रहे हैं, तो अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्दी जा रही है, और नमक, सुरख मिर्च, और ये ज़ीरा खुश्क धनिया। जस्ट हमने काली ये चीज़ें डालनी है, काली मिर्च और गरम मसाला हम एंड पे डालेंगे जब हम इसको तड़का लगाएंगे मसाला बना के। और तड़का भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम ये डाल के तो नीचे आंच जलाते हैं। ये देखिए, ये मैंने आंच जला दी है और इसके पकने का वेट करेंगे। और इसके लिए हमें तड़के के लिए ऑयल दरकार है, वो हम 1/2 कप लेंगे या 1/4 कप लेंगे। तो मैं जैसे ये पकता है फिर मैं आपको बताती हूँ। ये जो चीज़ें ली हैं हमने, इस ये हम तड़का बनाएंगे, और हम ये जो गरम मसाला और काली मिर्च है ये हम एंड पे डालेंगे, और हरा धनिया एंड पे काट के डालेंगे। तो हम वेट कर रहे हैं कि वो पकना शुरू हो जाए, तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी हल्की आंच करके हमने इसको पकाना है मसरों को। ये देखिए व्यूअर्स, ये पकना शुरू हो गया। अब हम इसकी आँच जो बिल्कुल हल्की कर देते हैं और इसको दम पर रख के तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छे से गल नहीं जाते। व्यूअर्स, ये हमारे जो साबुत मसर हैं वो रेडी हो रहे हैं, बस थोड़ा सा थिक होने का वेट है। तो हम दूसरी तरफ अब मसाला रेडी कर लेते हैं इसका तड़का। तो मैं इसको ढांपती हूँ दोबारा। ये देखिए मैंने पैन लिया, और पैन में मैंने ऑयल डाल लिया तकरीबन 1/4 कप। और अब मैं सबसे पहले इसमें प्याज ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे मैंने आँच जला दी है, और ये हम मसाला भी कह सकते हैं, आप तड़का भी कह सकते हैं। तो हम इसको इस तरह तड़का लगाएंगे मसर को, ये इसी तरह आप लगाएंगे तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही शानदार बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये लाइट ब्राउन होगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। प्याज हमारा हो गया, अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे जो मैंने चॉप करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज भी मैंने प्याज को भी मैंने चॉप किया था, लहसुन को भी मैंने चॉप किया है, और अदरक को भी मैंने चॉप किया है। ये तमाम चीज़ें मैंने चॉप की हैं। थोड़ा सा लहसुन होता है तो फिर मैं इसमें अदरक ऐड करती हूँ। ये देखिए हमारा लहसुन भी हो चुका है, और अब हम इसमें अदरक डालते हैं और इसको भी कड़कड़ाते हैं। ये थोड़ा सा होता है तो फिर इसमें हम दूसरी चीज़ें भी ऐड करते हैं, और मैं आपको साथ में बताऊँगी। देखिए व्यूअर्स, जो मसाले में दूसरी चीज़ें जानी हैं, ये मैंने ग्रीन जो मिर्चें हैं वो ली हुई हैं, चॉप की हुई हैं। इसमें 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च जाएगी, 1/4 टीस्पून जीरा खुश्क धनिया जाएगा, और 1/4 टीस्पून से भी कम 2 या 3 पिंच समझ लें हल्दी जाएगी, और ये काली मिर्च और ये गरम मसाला एंड पे जाएगा। अभी ये सारी चीज़ें हम तड़के में डाल देते हैं जस्ट इनको हटा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जा रही हैं सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, और इसको थोड़ा सा हम इसी में ऑयल में ऐसे करेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, जस्ट छीटा लगाएंगे। ये देखिए हरी मिर्चें भी हो गई हैं इसी में, और अब हम इसमें थोड़ा सा जस्ट पानी का छीटा लगाते हैं और इसको अच्छे से भूनते हैं मसाले को। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो मसाला हम बना रहे थे तड़का, वो रेडी हो गया है, और हम अब इसको ऐड करते हैं जो हम मसर बना रहे हैं। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े का और बहुत ही यकीन करें शानदार बनती है। तो चलिए मैं अब इसको इसके अंदर ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें ये थिक हो गए हैं बिल्कुल। ये देखें
गल चुके हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसको इसके अंदर मसाला ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और देखिएगा मसाला ऐड करते ही जो हमने जो इसका तड़का बनाया था तो क्या शानदार लुक आएगी इसकी। सो यमी बनते हैं ये मसर। और इसमें काली मिर्च आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका ये सीक्रेट है। काली मिर्च से तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आप काली मिर्च ऐड करते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है इसका टेस्ट में समझे बहुत इजाफा हो जाता है, दुबाला हो जाता है। तो अब इसमें हम काली मिर्च और गर्म मसाला और हरा धनिया डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जा रही है ब्लैक पेपर और गर्म मसाला और ये जा रहा है धनिया। और अब हम इसको मिक्स करते हैं और डिश आउट करके दिखाते हैं। मैं इसको चावलों के साथ सर्व करूँगी, इसको हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं। गर्मा गर्म रोटी हो साथ में उसके ऊपर बटर लगा हो या देसी घी लगा हो तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है। ये देखें कितना शानदार माशाल्लाह बहुत ही मज़े की और इतनी शानदार खुशबू आ रही है पूरे किचन में, क्या बताऊँ मैं। तो ये रेडी है, मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स हमारे जो साबुत मसर मैंने बनाए थे वो रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़े के और बहुत ही जायके वाले बने हैं। मैं चावलों के साथ सर्व कर रही हूँ, मैंने वाइट चावल उबाले थे तो उसके साथ इंशाल्लाह ताला किसी दिन आपके साथ वाइट चावल की रेसिपी भी शेयर करूंगी। और साथ में मैंने अचार लिया है और आप लोग ज़रूर मेरे तरीके से बनाइएगा और आप यकीन करें आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।